मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। कुंभ राशि के लोग 2024 16 तारीख से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर अच्छी सोच बनेगी, क्योंकि कुंभ राशि के साथ शनि देव महाराज की कृपा होने जा रही है। लेकिन दोस्तों कुंभ राशि के साथ राहु और केतु हैं, जो थोड़ा सा उथल पुथल मचाएंगे, आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, शनि महाराज सब संभाल देंगे। चंद्रदेव की भी कृपा कुछ होने जा रही है दोस्तों, इसलिए कुंभ राशि के भाग्य में विशेष परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता है। चारों दिशाओं से लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी, धन लक्ष्मी की कृपा होगी, लोगों में सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके दुश्मन चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुंभ राशि के भाग्य में विशेष परिवर्तन शनि देव महाराज के द्वारा होने जा रहा है। कुंभ राशि के लोग संघर्षवादी हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी आलस करने लग जाते हैं, आलस से काम बिगड़ जाता है दोस्तों। इसलिए कुंभ राशि के लोग आलस्य को त्याग दें, आप अपने जीवन को सफल बनाएं, आप अपने कार्य को सही रूप से तभी कर पाएंगे जब आप अपने आलस्य को त्याग देंगे। शनि देव और गुरु बृहस्पति की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है और बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। धन लक्ष्मी की कृपा होगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। आपके जो रुका अधूरा कार्य है, अटका हुआ कार्य है, वह भी कुंभ राशि का पूर्ण होने जा रहा है। इष्ट मित्र से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, आपको कुछ धन राशि मिलने के योग भी बता रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों पैसा खर्च करने में विशेष सावधानियां बरतिएगा, अन्यथा आपको आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ जाएगी और आपके अपने कार्य करने में रुकावटें आने लगेंगी। इसलिए दोस्तों किसी भी कार्य को सावधानी से करें, पैसे की बचत करें, तभी आपका कार्य पूर्ण हो पाएगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की खूब कृपा होगी, आपके मित्र भी आपके सहायता के तत्पर होंगे और आपका लोग सम्मान करेंगे। आपके अंदर नई सोच बनेगी। कुंभ राशि के लोग उदार भाव के होते हैं मित्रों, वह किसी के कार्य को करने के लिए समर्पण भाव से हाजिर रहते हैं। कुंभ राशि के लोग अपना फायदा नुकसान नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे की सहायता के तत्पर दौड़ पड़ते हैं।
इसलिए दोस्तों आप अपने विश्वास पात्रों से धोखा भी खाते हैं, विश्वास पात्र आपको धोखा देते हैं, आपके जो कुछ लोग हैं सन्निकट वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं और आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर आएंगे, क्योंकि ग्रहों की कृपा बहुत बड़ी होने जा रही है। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होगा, रुके अधूरे अटके कार्य भी पूर्ण होने लग जाएंगे, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगा, तीर्थ यात्रा के लाभ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो आपका पारिवारिक सामंजस्य बिगड़ा हुआ चल रहा था वह भी अब आपका अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा चलेंगे और परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे। दोस्तों कुंभ राशि के लोग शनि चालीसा अगर पढ़ते हैं, हनुमान जी का आराधना करते हैं, तो उनके जीवन के जितनी कठिनाइयां हैं कोसों दूर भाग जाएंगी, आप निरोगता को प्राप्त होंगे, आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे, जो आने वाली परेशानियां हैं वह भी काई की तरह छट जाएंगी और आपके अपने लोग सहायता के तत्पर होंगे, आपकी उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे देवी की कृपा आपके ऊपर है, मां भगवती की कृपा कुंभ राशि के ऊपर है, जो हर कार्य को बनाती चली जाती हैं, हर बाधा को आपके दूर कर देती हैं। इसलिए मित्रों कुंभ राशि के लोग शनि चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके अंदर नई सोच बनेगा, आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर भी आएंगे और आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं, आपके शरीर में तेज है, आप जहां भी जाएंगे आपका लोग सम्मान करेंगे, जस कीर्ति की प्राप्ति होगी, रुके अधूरे अटके कार्य भी पूर्ण होंगे। और मित्रों आप सावधानी से वाहन को चलाएं, आपको थोड़ी चोट लगने की भी योग दिखा रहे हैं, अगर आप हनुमान जी का शरीर जी का स्मरण करते रहेंगे तो कष्ट भी आपको काई की तरह आएगा, छट जाएगा और आपका चाह कर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, इष्ट मित्रों में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय माता की।